मुलाकात हुई क्या बात हुई? जी हाँ, मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों पर लगातार ये सवाल तैर रहा है। सियासतदान सभी जवान से सही एक दूसरे से इसका जवाब भी जानना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच की, क्योंकि ये मुलाकात केवल मुलाकात नहीं बल्कि वो मैराथन मुलाकात है। और अटकलें हैं कि इस मुलाकात के बाद की सारे राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलेंगे। 1 घंटे 20 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस ने मुलाकात की तस्वीरों को लेकर ही बवाल खड़ा कर दिया और जता दिया कि अब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ठहरा विरोधी दल, इसलिए सियासत का कोई मौका चूक नहीं सकता। लेकिन हकीकत तो ये है कि बीजेपी में भी बगावती तेवर रखने वाले अब इस मुलाकात के कई मायने निकाल रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात उस समय हुई है जब मध्य प्रदेश में पहले से ही बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो प्रदेश संगठन का मामला हो या दिल्ली में मौजूद प्रदेश के नेताओं का। 15 दिन पहले ही दिल्ली और भोपाल में तमाम बैठकों का दौर चल रहा था, तब यही अटकलें थी कि अब जल्दी ही नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। इसी दौरान ये मैराथन मुलाकात, जिसके बाद बताया तो गया कि कोरोना को लेकर बात हुई, लेकिन जिस दौर में बीजेपी अपने सारे मुख्यमंत्रियों से मिल रही है, जिस दौर में बीजेपी शासित राज्यों में बगावती तेवरों पर केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक ले रहा है, ऐसे में इस मुलाकात को केवल कोविड का बहाना लेकर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।